अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एहसन फ्रॉम गवादर जायदाद। आज की इस वीडियो में गवादर में लैंड बाय करने वाले जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका सबका एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कंसर्न भी है कि गवादर में लैंड बाय करते वक्त डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है, किस हद तक वो ऑथेंटिक है, और स्पेशली जब आप रकबा खरीद रहे होते हैं, ज़मीन खरीद रहे होते हैं विच इज़ प्राइवेट लैंड और ओपन लैंड, तो वहाँ कोई सोसाइटी या कोई उनकी मैनेजमेंट इस तरह इन्वॉल्व नहीं होती हाउसिंग स्कीम से, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस डिफरेंट होता है। और अक्सर एक मिसकंसेप्शन है, एक परसेप्शन बिल्ड हुई भी है कि जब भी रकबा खरीदा जाता है तो उसमें कब्जा होने के चांसेस होते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के फ्रॉड हो सकती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसकी वजह से कल को आपकी जो लैंड की ओनरशिप है वो इफेक्ट हो या आप किसी किस्म की कोई लीगल ट्रबल्स में जो है वो फंस जाए। तो हर एक कस्टमर के बड़े कॉमन से कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन एक तो प्रोसेस बता दें, दूसरा हाउ डू दे नो इट्स ऑथेंटिक, और हाउ इज इट डिफरेंट स्पेशली नाउ मास्टर प्लान आने के बाद 2019 के बाद, अब ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस डिफरेंट कैसे है कंपेयर टू प्रीवियस प्रैक्टिसेस। जो मास्टर प्लान आने से पहले जमीन की खरीदो फरोख्त होती थी उसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट थी या इटसेल्फ जो पेपर वर्क बनता था वो क्या था और अब क्या है, और अब जो है वो बेहतर कैसे है। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कवर दीज पॉइंट्स यू नो इन दिस वीडियो। देखिए, प्री मास्टर प्लान जो लैंड्स एक्वायर की जा रही थी 2019 से पहले, उसमें जो लैंड रिकॉर्ड था वो सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट या जिसे तहसील के ऑफिस के अंडर जो एक पटवार का डिपार्टमेंट होता है जिसे पटवार खाना भी कहते हैं, सिर्फ उसके पास लैंड रिकॉर्ड था। लैंड का जो साइट प्लान था वो भी पटवारी ही बनाता था, कभी वो साइट प्लान जीपीएस बेस्ड हो जाता था लेकिन उसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स मेंशन नहीं होते थे, और कभी वो मैन्युअली पटवारी अपने हाथ से उसको बना लेता था। लेकिन अभी मास्टर प्लान आने के बाद ये प्रैक्टिस टोटली चेंज हो गई, अब सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट या पटवार के पास लैंड रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अब ये रिकॉर्ड कंप्यूटराइज फॉर्म में ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्टेप वाइज अगर आपको बताऊं, पहले क्या होता था कि आपने कोई जमीन खरीदनी है, आप अखबार में इश्तिहार देते हैं उसका, भाई मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूँ, ये शख्स बेचने वाला है, पटवारी के पास जाता है सेलर, उसकी एक फ्रेश वर्क इशू करवा ली जाती है, और उसी की बेस के ऊपर विदाउट एनी साइट प्लान भी, विदाउट फिजिकल ऑन ग्राउंड डीमार्केशन भी, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पटवार ही से एक नई फर्द बन जाती थी, एक नया जिसको आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, फर्द बराए इंतकाल या ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक पटवार ही के ऑफिस से बन जाता था, और सेलर के अकाउंट से वो लैंड निकल के बायर के अकाउंट में आ जाती थी और बायर को एक फर्द मिल जाती थी, एंड दैट वाज ऑल। इसमें एडिशनली लोग क्या करते थे फॉर एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी कि वो एक सेल्स एग्रीमेंट भी कर लेते थे जिसे हम रजिस्ट्री भी बोलते हैं या लैंड रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। तो कुछ केसेस में वो रजिस्ट्री एग्जिस्ट करती थी, कुछ जगह वो कॉस्ट सेविंग की जाती थी, रजिस्ट्री भी नहीं होती थी। सो मोस्टली पुराने इन्वेस्टर्स की अभी भी हमें कॉल्स रिसीव होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वो अपने शेयर करते हैं, भाई हमारे पास ये ज़मीन है ग्वादर में, हम इसको फरोख्त करना चाहते हैं, बट वन वी लुक एट द डॉक्यूमेंट्स उसमें सिर्फ और सिर्फ वो फर्द होती है हमारे पास, वो भी कोई 8-10 साल पहले इशू हुई है और फ्रेश भी नहीं होती फर्द, ना उसका कोई साइट प्लान होता है ना उसमें ऑन ग्राउंड डीमार्केशन होती है। सो इन अ वे दिस डॉक्यूमेंटेशन इज ऑब्वियसली वेरी शेडी, स्पेशली फॉर दोज कस्टमर्स जो ग्वादर फिजिकली विजिट किए बगैर वहां जमीन खरीदना चाहते हैं। लेकिन अब ये प्रैक्टिसेस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, बड़ी डिटेल्ड हो गई हैं, और ऑब्वियसली ये कंप्यूटराइज हो गई हैं। अब क्या होता है, अगर आपने जमीन खरीदनी है द फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, उसके बाद सेलर इटसेल्फ पटवारी के साथ और बायर या बायर के रिप्रेजेंटेटिव के साथ उस लैंड का, उस एक्चुअल फिजिकल लैंड का जो आप वो सेलर बेच रहा है, जो फरोख्त की जा रही है, उसका विजिट होता है और वहाँ एक प्रॉपर फोटोशूट होता है। और जो साइट प्लान होता है वो जीपीएस बेस्ड होता है, पटवारी हाथ से नहीं बनाता ये जीपीएस, इस पे कोऑर्डिनेट्स मेंशन होते हैं, लैंड की कैटेगरी मेंशन होती है, और जीपीएस बेस्ड साइट प्लान होता है, जीपीएस स्टैम्प्ड होता है और साथ में उसका फोटो सेशन किया जाता है। ये डॉक्यूमेंटेशन के बाद अब डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होती, पहले हमें ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी है, और इस लैंड को और बायर और सेलर को और इस साइट प्लान को
जीडीए के ऑफिस में रजिस्टर कर रहे हैं। सो बेसिकली ये फोटोशूट जो हुआ है, इसकी पिक्चर्स जो साइट प्लान हमने बनाया है जीपीएस बेस्ड, वो और बायर और सेलर के डॉक्यूमेंट्स ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में सबमिट करवाए जाते हैं, ताकि ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी उस पर्टिकुलर लैंड के अगेंस्ट एक लैंड जोनिंग सर्टिफिकेट, या जिसको मार्केट में लैंड यूजेज सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, वो इशू कर दिया जाता है। सो लैंड जोनिंग सर्टिफिकेट क्या है बेसिकली? फिर जीडीए की टीम, जीडीए के सर्वेयर्स उस लैंड को विजिट करते हैं, दे मैच द कोऑर्डिनेट्स विद द एग्जिस्टिंग साइट प्लान, दे क्रिएट अ न्यू साइट प्लान जिसमें उस लैंड की मास्टर प्लान पे एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो ओवरले किया जाता है। जीडीए के का जो मास्टर प्लान है, जीडीए के रिकॉर्ड में जितनी भी लैंड्स अब रजिस्टर की जा रही हैं, जितनी भी लैंड्स की डील्स हो रही हैं मार्केट में, वो उस मास्टर प्लान की एक मास्टर कॉपी पे उनके पास रजिस्टर्ड हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम बाइंग अ लैंड व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन जीडीएस रिकॉर्ड एंड ओन्ड बाय अनदर यू नो लैंड ओनर, आई कैन नॉट बाय दैट लैंड। जीडीए फौरी तौर पर इंटीमेट करेगा, बताएगा भाई आप जो जमीन खरीदने जा रहे हैं तो पहले किसी और की मलकियत में, और ये तो सेलर है ही नहीं जिससे आप खरीद रहे हैं। सो दैट मीन्स के एक ही जमीन के दो बायर्स अब एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अब वो चीज खत्म हो गई है। स्पेशली जो लोग लैंड खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा पीस ऑफ माइंड है कि डुप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगी और लैंड भी एक से ज्यादा मालिकान के पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब जीडीए जब लैंड जोनिंग सर्टिफिकेट इशू कर देता है, उसमें लैंड की कैटेगरी हाईलाइट हो जाती है, वेदर इट्स इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल और कमर्शियल और वट एवर कैटेगरी इट इज ऑन द मास्टर प्लान, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसकी रजिस्ट्रेशन की तरफ जाता है मामला। पहले ये होता था कि मोजा वाइज एक फ्लैट रेट होता था हर मोजे का। मसलन अगर आप लेट से एज एन एग्जाम्पल सुरबंदर में कोई जगह खरीद रहे हैं, तो पूरे सुरबंदर में बीसी रेट जमीन का एक ही होता था, उसी के अगेंस्ट सारे टैक्सेस और फीसेस वगैरह जमा करवाई जाती थी। अब क्या है कि लैंड कैटेगरी वाइज इसके डीसी रेट भी चेंज हो गए, मसलन कमर्शियल का ज्यादा होगा रेजिडेंशियल से। सो एट द टाइम व्हेन यू आर रजिस्ट्रिंग द लैंड, द एक्चुअल फीसेस व्हिच आर बीइंग पेड टू द गवर्नमेंट, जो टैक्सेस पे किए जा रहे हैं, वो भी उस लैंड की कैटेगरी के हिसाब से पे किए जा रहे हैं। तो आपके पास जीडीए भी आपको साइट प्लान बना के दे रहा है जिसपे वो लैंड की कैटेगरी शो हो रही होगी, आप उसके अगेंस्ट जो रजिस्ट्रेशन के टाइम फीसेस पे कर रहे हैं वो भी उस वहां भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इस लैंड की कैटेगरी क्या है, एग्जैक्ट लैंड के कोऑर्डिनेट्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं साइट प्लान पे विच इज इश्यूड बाय ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी इटसेल्फ। तो और ट्रांसफर के टाइम, रजिस्ट्री के टाइम प्रॉपर फोटो सेशन भी होता है, ठीक है, सेलर और बायर या बायर के रिप्रेजेंटेटिव का फोटो सेशन भी होता है, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट नाउ। अब ये सब कुछ जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर जो वो फर्द बराए इंतकाल या जो ट्रांसफर लेटर हमें पटवार से मिलता है वो भी इशू किया जाता है। और जब लैंड को दो दफा विजिट किया गया, जब इनिशियली साइट प्लान बनाया था पटवारी के साथ गए थे, सेलर भी था, बायर या बायर का रिप्रेजेंटेटिव था, वहां फोटोशूट हुआ था, तो वहां डिमार्केशन भी की गई थी, भाई ये जमीन बेची जा रही है, उसको हमने जमीन के ऊपर निशानी लगा दी। जब जीडीए ने हमें साइट प्लान दिया, हम उस डिमार्केशन के अगेंस्ट एक उसको प्रॉपर बाउंड्री वॉल भी बना सकते हैं, जीडीए से बाउंड्री वॉल सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो अब लैंड रिकॉर्ड जो है ये सिर्फ और सिर्फ पटवार में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जीडीए के ऑफिस में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है ये बायर्स के लिए एक बहुत बड़ा पीस ऑफ माइंड है, बहुत ऑथेंटिक है, कंप्यूटराइज्ड है, जीडीए के पास रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ग्वादर मास्टर प्लान बेस्ड पाकिस्तान का पहला शहर है, तो इसमें वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी डायरेक्टली इंटरवीन कर रही है लैंड बाइंग और सेलिंग प्रोसेस में। अगर लाहौर में या इवन दूसरी सिटीज में आप कहीं जमीन खरीदते हैं, रकबा जिसे कहते हैं, तो वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी का उससे कोई कंसर्न नहीं होता, वो उस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ पटवार से या तहसील से ही आपका काम होता है। सो आई होप आई एक्सप्लेन्ड द ओवरऑल लैंड बाइंग प्रोसेस इन दिस वीडियो क्लियरली, एंड आई ऑल्सो हाईलाइटेड सम ऑफ द पॉइंट्स दैट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस प्रैक्टिसेस, और अब ज्यादा ऑथेंटिक ये क्यों हो गया है। For further questions regarding buying land in Gwadar or for Gwadar investments, please feel free to contact me on my given number. You can send me a message on WhatsApp or you can call me. Thank you very much for watching the video. Please do subscribe to my channel. Allah Hafiz.